मैं ये कहूंगा ये चिंता का नहीं, एक हकीकत का सबब है कि एक वो पार्टी जो कि भारत के सबसे आगे नेतृत्व करने की बात करती थी वो आज पिछलग्गू बनने को तैयार है हर राज्य से लेकर केंद्र तक। अभी आपने पूछा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें देंगे, तो भदौरिया जी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। गार्गा चटर्जी से पूछेगा कितनी सीटें देंगे पश्चिम बंगाल में, तो अभी वो देखिएगा दाएं बाएं करने लगेंगे। अब मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अभी कहा गया जो राकेश सिन्हा जी ने वाजिब सवाल उठाया, जाति का संदर्भ ले आया गया किसी संदर्भ में, जिन जातियों की बात की जाती है गरीब वंचित शोषित उन्हीं के नेताओं के परिवार के लोगों ने, अभी प्रियंका जी ने कहा ना बिजनेस नहीं कर सकता, बड़ा बढ़िया बिजनेस मॉडल है, ममता जी का भतीजा तो राहुल जी के जीजा, तो गरीब गुरबा के प्रतीक लालू प्रसाद यादव जी का साला भाई भतीजा दामाद जी प्रियंका जी, तो मुलायम सिंह यादव जी जो धरती पुत्र थे मजदूर और किसान के नेता थे उनका बेटा, सब बगैर कुछ किए धरे करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो गए। ऐसा बढ़िया मॉडल की गायत्री प्रजापति 10 साल पहले बिलो पॉवर्टी लाइन में थे, अब 110 करोड़ का इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। ये जितने गरीब वंचित के स्वयंभू अलंबरदार बने, सबसे ज्यादा धन संपत्ति उन्हीं के परिवारों को, और गरीब तो गरीब पे ही राज।